नमस्कार मित्रों, रुचि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अंततः ज्योति किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल हवेली थी, नौकर चाकर थे, सब तरह का आराम था। फिर भी उसका मन अशांत रहता था। हर घड़ी उसके कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी। सेठ उदास रहता। जब उसकी हालत बहुत खराब होने लगी तो एक दिन उससे के एक मित्र ने उसे शहर से कुछ दूर आश्रम में रहने वाले साधु के पास जाने की सलाह दी। कहा वह पहुंचा, हुआ साधु है, कैसा भी दुख लेकर आओ दूर कर देता है। सेठ साधु के पास गया, अपनी सारी मुसीबत सुनाकर बोला, स्वामी जी मैं जिंदगी में बेजार हो गया हूँ, मुझे बचाइए। साधु ने कहा, दबराओ नहीं, तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी, प्रभु के चरणों में लो लगाओ। उसने सब ध्यान करने के लिए सलाह दी और उसकी विधि भी समझाई दी, लेकिन सेठ का मन उसमें नहीं रमा। वह जो ही जब का ध्यान करने बैठता उसका मन में गुणंग चौकड़ी बढ़ते लगता। इस तरह इस दिन बीत गए। उसे साधु को अपनी परेशानी बताई, पर साधु ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। एक दिन सेठ साधु के साथ आश्रम में घूम रहा था कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। सेठ वही बैठ गया और पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, स्वामी जी ने मैं क्या करूं, बड़ा दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, चिल्लाए क्यों हो, कांटे को निकाल दो। सेठ ने जी कई करते कांटे का निकाल दिया, उस चैन पड़ गया। साधु ने तब गंभीर होकर कहा, सेठ तुम्हारे पैर में जरा सा कांटा चुभा भी तुम बेहाल हो गए, लेकिन यह तो सोचा कि तुम्हारे भीतर कितने बड़े बड़े कांटे चुंभे हुए हैं, लोभ के, मोह के, क्रोध के, इच्छा के, देश के और न जाने किस किस के। जब तक तुम्हें उन्हें नहीं उखाड़ोगे तुम शांति कैसे मिलेगी। साधु के इन शब्दों ने सेठ ने अंत में ज्योत जला दी। उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, उसे शांति का रास्ता मिल गया।